The question is, we have to integrate the function which is log sine x between the limit 0 to pi by 2. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं गिवन एक्सप्रेशन को एक सिंबल i से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, दैट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन. द फंक्शन इज log, दैट इज sin x into dx के. तो ये फंक्शन है जिसको हमें फर्दर इंटीग्रेट करना है. तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग मैं इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूँ, और प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, दैट इज 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स के. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनकेस अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पे काम कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी. तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं. और जैसे आप इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये बनेगा i इज योर 0 टू पाई बाई 2, दैट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन. इसको आप लिख सकते हैं log, दिस इज साइन, एंड दिस विल बिकम पाई बाई 2 माइनस x इंटू डी एक्स. फाइनली मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किया है, मतलब x को हम लोग रिप्लेस करेंगे ए माइनस एक्स से, और यहाँ पे ये जो ए है वो आपके क्वेश्चन का पाई बाई 2 है. ठीक है, तो एक्स को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स से. अब जैसा कि आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस सीटा कॉस सीटा के बराबर होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं आई इज योर 0 टू पाई बाई 2, दैट इज अ लिमिट, और ये बनेगा लॉ, दिस इज कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स के. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है. हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करने जा रहे हैं. तो जैसे आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा 2i, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में भी लेफ्ट में i है और इक्वेशन नंबर 2 में भी लेफ्ट में i है. तो i और i आपका 2i बन जाता है, और ये बनेगा 0 टू पाई बाई 2. 0 टू पाई बाई 2 इक्वेशन नंबर 1 का जो पार्ट है वो है log, दैट इज sin x dx, और इक्वेशन नंबर 2 का जो पार्ट है जो कि आपको नजर भी आ रहा है, दैट इज 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 log, दैट इज cos x और dx के. फाइन, अब देखिए एक और प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है, दैट इज एफ वन एक्स डी एक्स बिटवीन द लिमिट ए टू बी प्लस ए टू बी, एक अनदर फंक्शन है एफ टू एक्स डी एक्स, तो आप इसे लिख सकते हैं ए टू बी, दैट इज एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स इंटू डी एक्स के. तो फाइनली आप दोनों फंक्शन को ऐड कर सकते हैं. तो जैसे आप ऐड करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों की लिमिट तो सेम ही है, इट इज ऑल्सो 0 टू पाई बाई 2 एंड इट इज ऑल्सो 0 टू पाई बाई 2, सो दिस विल बिकम 2y इज योर, दैट इज 0 टू पाई बाई 2, दिस इज 0 टू पाई बाई 2, और ये बनेगा log, दिस इज log sin x, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, और सेकेंड पार्ट हमारे पास है log, दैट इज cos ऑफ x इंटू डी एक्स के. अब अगेन वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम. जैसा कि आप जानते हैं कि log m प्लस log n की अगर मैं बात करूं, तो ये हमारे पास होता है log m इंटू n के, मतलब ये जो इनपुट है आप इनको प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं, यानी कि ये बनेगा 2i इज योर, 2i इज योर 0 टू पाई बाई 2, दिस इज 0 टू पाई बाई 2, और आप इसे लिख सकते हैं log, दिस इज sin x इंटू cos x और dx के. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, हम लोग यहाँ पे फर्दर थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और मैनिपुलेशन ये है कि मैं इसमें log 2 ऐड कर रहा हूँ और log 2 मैंने इसमें से माइनस किया है इसको बैलेंस करने के लिए, और अब हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. तो आप देख सकते हैं कि ये जो शुरू के दो टर्म है, मतलब एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, इसमें अगेन मैं log की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, और log की प्रॉपर्टी अगर मैं यूज करूंगा तो ये बनेगा 2i इज योर, दिस इज 0 टू पाई बाई 2, और इसको फिर से हम log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये बनता है log, दिस इज 2 sin x इंटू cos x इंटू डी एक्स माइनस, अब ये जो log 2 है ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है तो आप इसे इंटीग्रल साइन से बाहर रख सकते हैं, एंड दिस इज 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 इंटू डी एक्स के. अब आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन जनरेट हो रहा है, लेफ्ट साइड में तो आपके पास 2i अभी भी चल ही रहा है, और ये बन जाता है इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, इसको आप लिख सकते हैं log, दैट इज साइन 2x dx के, दैट इज log sin 2x dx, और माइनस
दिस इज लॉग टू, दिस इज लॉग टू, और इस एक्सप्रेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंपली बनता है पाई बाई टू माइनस जीरो के, है ना। मीन्स आपको मिल जाता है टू आई इज योर जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू लॉग लॉग दैट इज साइन टू एक्स डी एक्स माइनस दैट इज पाई बाई टू एंड दैट इज लॉग टू के, ठीक है। अब देखिए फिर से हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं, और चेंजेस ये है कि ये जो 2x है ना, मैं इसको एक नए वेरिएबल t से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो 2x को अगर मैं t से रिप्लेस करता हूँ, 2x को अगर हम लोग t से रिप्लेस करते हैं तो 2dx ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है dt में। इसके बाद अगर आपने फंक्शन के वेरिएबल को चेंज किया है तो फिर आपको लिमिट भी चेंज करनी होगी। लिमिट चेंज करने के लिए पहले आप लोअर लिमिट सबमिट करेंगे, फिर आप अपर लिमिट सबमिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब आप एक्स की जगह जीरो सबमिट करेंगे तो लोअर लिमिट आपको जीरो मिलेगी, लेकिन अपर लिमिट आपको मिलने जा रही है डेट इज योर पाई। तो फंक्शन की लिमिट चेंज हो गई है अगर आप 2x को t से रिप्लेस करते हैं। मीन्स ये एक्सप्रेशन बनेगा टू आई इज योर जीरो टू पाई, जीरो टू पाई दिस इज लॉग लॉग डेट इज साइन, दिस इज साइन t। इसको हम लोग t से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि 2x को आपने t से रिप्लेस किया है, और dx को रिप्लेस करेंगे dt अपॉन 2 से। तो ये तो फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट आपके पास है पाई बाय 2 log 2 के, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये जो log sin t है, हम लोग इसे फिर से मैनिपुलेट कर रहे हैं, और इसको मैनिपुलेट करने के लिए वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये है 0 टू 2a fx dx ये बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के, पर ऐसा नहीं कि इसे आप हमेशा लिख सकते हैं। इट इज ओनली ट्रू व्हेन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल है तो, है ना। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर है तब तो आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए चलिए देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए अपर लिमिट आपके पास है पाई, है ना, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2, तो ये पाई बनता है, ये आपका पाई ही बनता है। तो मुझे चेक करना होगा कि अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में टी को पाई माइनस टी से रिप्लेस करूं तो वही फंक्शन आ रहा है या फंक्शन चेंज हो जा रहा है। तो देखिए लॉग साइन टी में हमने क्या करना है, मुझे रिप्लेस करना है इसको साइन पाई माइनस टी से। अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। मतलब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम ही है। मीन्स अगर आपके पास जो फंक्शन है वो अगर इस कंडीशन को मेंटेन कर रहा है तो आप लिमिट को आधा कर सकते हैं, मतलब 0 टू 2a को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a। मींस ये बन जाएगा, चलिए मैं यहां लिखता हूं, ये बनेगा 2i इज योर 2 टाइम्स ऑफ, लिमिट को आधा कर रहे हैं तो लिमिट अब बनेगी 0 टू पाई बाय 2, क्योंकि पहले पाई था तो आधा किया तो पाई बाय 2 बनेगा, और फंक्शन आपका सेम है दैट इज लॉग साइन टी डी टी, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 भी चल रहा है, इसको भी हम लोग मैनेज करेंगे, और माइनस पाई बाई 2 एंड दैट इज लॉग 2 के। चलिए अब फर्दर काम करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। अगर आप इसे कैंसिल करते हैं तो नाउ दिस विल बिकम 2 आई इज योर 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 दिस इज लॉग लॉग दैट इज साइन टी लॉग साइन टी डी टी माइनस पाई बाय 2 और लॉग 2 के। अब एक और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये बराबर होता है ए टू बी एफ टी डी टी के। मतलब आप फंक्शन के पैरामीटर को अगर चेंज करके सेम लिमिट में इंटीग्रेट करें तो वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी। मतलब अगर ये जो साइन टी लिखा हुआ है अगर आप इसे साइन एक्स से भी रिप्लेस कर देंगे तो भी रिजल्ट आपको सेम ही मिलने जा रहा है। क्योंकि आप इसे लिख सकते हैं टू आई इज योर जीरो टू पाई बाई टू, दिस इज जीरो टू पाई बाई टू दिस इज लॉग लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई बाई टू और लॉग टू के, ठीक है। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को चेक करें तो ये है आपका ओरिजिनल फंक्शन जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं दिस इज एक्चुअली जीरो टू पाई बाई टू एल एन साइन एक्स डी एक्स जिसको आपने आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी कि एट लास्ट आप गिवन एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर सकते हैं आई से। और जैसे आप इसे आई से रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा टू आई इज योर आई माइनस पाई बाय टू एंड लॉग टू,
या फिर ये बनता है आई इज योर माइनस पाई बाय टू और लॉग टू के, ठीक है। या फिर आप एल एन टू से भी पूरे एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर सकते हैं, मैंने लॉग लेके इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लिया है, तो आप एल एन को स्टार्टिंग से यूज करेंगे तो भी मैथड वही है, मतलब गिविन फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट करें तो रिजल्ट यू आर गेटिंग पाई बाय टू एल एन टू।